लुधियाना के शमीर चौक एक पुरानी पानी की टंकी में कबूतर को पकड़ने के चक्कर में एक नाबालिग युवक गिर गया, जिसे पुलिस ने 2.5 घंटे बाद निकाला। उस वक्त पुलिस के लिए आफत आ गई जब 14 वर्षीय युवक कबूतर पकड़ने के चक्कर में अपने एक अन्य नाबालिग दोस्त के साथ वहां पहुंच गया तथा उसका साथी युवक घबरा गया और वह तो वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जाते जाते नजदीक के लोगों को बता दिया कि उसका दोस्त पानी की टंकी में गिर गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने 2.5-3 घंटे की कड़ी मशक्कत बाद युवक को किसी तरह पानी की टंकी से बाहर निकाला। वही गनीमत ये रहा कि पानी की टंकी में उस समय पानी नहीं था, जो कि लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण खाली थी। आज करीब 6:30 बजे कंट्रोल रूम पे एक कॉल आई थी कि एक जो लड़का है वो पानी के टैंक पे चढ़ गया है, तो जिस पे हम इमीडिएटली अपनी टीम के साथ स्मिथ चौक में मॉडल टाउन में पहुंचे, तो वहां से पता चला कि ये 14 साल का एक बच्चा है, इसका एक साथी था, ये ऊपर कबूतर पकड़ने के लिए गए थे। ये उजाड़ पड़ी हुई टंकी है और काफ़ी 200 फीट हाइट पे है, तो जो लड़का साथ वाला था वो ट्यूबवेल ऑपरेटर को बता के भाग गया। तो हमारी टीम जब ऊपर पहुंची तो ये वाटर टैंक 20 फुट ऊंचा था, उसमें इसने होल से जंप लगाया था नीचे और इसको चोट लगी थी, ये नीचे वाटर टैंक में फंसा हुआ था। तो वहाँ जाके हमने वहाँ रस्सा फेंका तो रस्से से भी वो ऊपर चढ़ नहीं पाया, जिसके बाद हमने उसको रेड बुल वगैरह और पानी ड्रिंक की एनर्जी ड्रिंक सप्लाई किया, जिससे वो थोड़ा उठने के लिए खड़ा हो गया। और उसके बाद हमने एक फैन बेल्ट यूज़ करके उसको उसके रस्से के साथ टाई करके तो उसको ऊपर खींचा। तो पुलिस टीम ने बहुत मेहनत से 200 फीट ऊपर हाइट से इस बच्चे की जान बचाई है, उसको सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया और इलाज चल रहा है उसका। कितना टाइम लगा, कितना पीरियड लगा बच्चे? ये 2 घंटे ऑपरेशन चला। पहले हमने रस्से का अरेंजमेंट किया, लाइट्स का अंधेरा हो गया था, लाइट्स का इंतजाम किया और फायर ब्रिगेड भी बुलाई, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास भी वो इक्विपमेंट नहीं था। तो ये हमारे जो कॉमन सेंस यूज़ करते हुए एक फ़ैन बेल्ट वहाँ पास मिल गई, तो उस फैन बेल्ट को टाई करके रस्से के साथ बांध के हमने एक झूला सा बना दिया, जिसमें उसकी टांगें फंसा करके ऊपर खींचा गया। तो बच्चा ठीक है? बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको थोड़ी नीचे गिरने से चोट लगी। जागती लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र ओड़ा की रिपोर्ट।